नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली में अपने पुराने साथी और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। इस मुलाकात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। हालांकि मुलाकात के बाद सियासी हलचल भी बढ़ गई है। वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि प्रशांत से आज का नहीं बल्कि पुराना रिश्ता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात के बारे में एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि ये शिष्टाचार के तहत मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब नीतीश कुमार को पिछले महीने कोरोना हुआ था तब उनसे हालचाल लेने के लिए बातचीत हुई थी, बस उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हुई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस मुलाकात के लिए नीतीश कुमार ने इच्छा जताई थी, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। भले इस मुलाकात का कोई राजनीतिक लेन देन नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे इस मुलाकात को सार्वजनिक किया है उससे साफ है कि वो फिलहाल बीजेपी की तरफ से हर मुद्दे पर आक्रामक रवैये के कारण एक संदेश भेजना चाहते हैं। नीतीश के नजदीकियों की माने तो प्रशांत किशोर के लिए जनता दल यूनाइटेड में फिलहाल कोई जगह नहीं है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पहले के मुकाबले कम सीटें जीतने के बाद सब ने प्रशांत किशोर की कमी जरूर महसूस की थी कि अगर वो साथ होते तो शायद तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नहीं होती। वहीं प्रशांत किशोर बीजेपी विरोध में आज की तारीख में जितना आगे तक निकल गए हैं, ऐसे में आज नीतीश कुमार के साथ जाना उनके लिए कहीं राजनीतिक जीवन की भूल साबित ना हो। हालांकि प्रशांत किशोर ने हाल ही में दिए कई इंटरव्यू में इस बात को माना है कि अगर कोई एक राजनेता जिनके साथ वो एक बार फिर से काम करना चाहेंगे तो उनमें नीतीश कुमार उनकी पहली पसंद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।